भैया जी कहीं मैं आपका एक बार फिर से स्वागत है, बेहद उमस लेकिन बहस उतनी ही तेज, पसीने में भीगे हुए लोग, बच्चे भी खड़े हैं, बहुत सारे लोग कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। मैंने बहस की लेकिन एक दो आज सवाल नहीं पूछ पाया लोगों से, जरूर पूछूंगा मैं आपसे, और ये शो भी उसी के लिए है, डिजाइन भी उसी के लिए है कि जरूर सवाल होने चाहिए। एक दो लोग चले गए, बाबूजी चले गए जी, बोलिए कहाँ से आना हुआ? मैं उत्तर बिहार के मिथिला क्षेत्र से हूँ और हम यहाँ पे जितने भी नेता हैं उनसे पूछना चाहता हूँ, हमारे यहाँ जितने भी रोजगार थे आजादी से आज तक सभी रोजगार धंधा बंद करा दिया गया और हम लोग को मजबूर कर दिया गया जो दिल्ली मुंबई महाराष्ट्र जाके रोजगार करो, वहाँ पे बेरोजगारी यहाँ पे आके करना पड़ रहा है। हमारे क्षेत्र में माननीय प्रधानमंत्री जी 2014 में एम्स दिए हुए थे दरभंगा में, लेकिन आज तक वहाँ पे एक ईंट नहीं बना। सभी सरकार ने वहाँ पे ठगने का काम किया, सभी सरकार ने आजादी से अभी तक, इसी के लिए सभी सरकार हमारे हम लोग को क्षेत्र को ठग रहे हैं। आने वाले दिन में चुनाव में हम लोग हर उम्मीदवार को मुंहतोड़ जवाब। एक्चुअली मैं किसको दोगे? एक्चुअली मैं ना ये पूरी बात जो इन्होंने बताई, दर्द उनका आखिरी वाले सेंटेंस में था और उसी में चेतावनी भी थी कि मैं समझ जाओ भाई, 24 का ही तो खेल हो रहा है सब, समझ जाओ, संभल जाओ। कहाँ से आना हुआ? सर हम उत्तर प्रदेश बलिया से आए हुए हैं। हम यहाँ पर अभी थोड़ा रहमान वो कबीरदास का शहर चला था, उसको हम दो शब्द और हम आगे अगर आप परिसर तो उसको बढ़ा देते हैं। शहर के चले गए शहर है? नहीं ना रुको, हाँ शेर अपना दुरुस्त करो, आराम। लकड़ी जल कोयला हुआ, कोयला जल हुआ राख, मेरा दिल ऐसा जला कोयला हुआ न राख। अभी यहाँ पर हमारे पूरे राजनीति पार्टी वाले मंच वाले जो भी अधिकारी पदाधिकारी बैठे हुए हैं, मैं एक पूर्व सैनिक हूँ, मुझे किसी पार्टी से कुछ नहीं लेना देना। मणिपुर में घटना हुआ, मिजोरम में घटना हुआ, बंगाल में घटना हुआ और भी जगह घटना हुआ। एक बार घटना हुआ, सरकार जो भी कानूनी प्रक्रिया के तहत सरकार उसके ऊपर कार्रवाई करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक बार वहाँ पर बलात्कार हुआ, यहाँ पर उनकी धजिया उड़ाया जा रहा है, किसी को यहाँ पर शर्म नहीं आ रहा है। एक बेटी का बलात्कार हुआ मणिपुर में कनाट प्लाजा चौक पर, हम सभी ने मिलकर के उसको बलात्कार कर रहे हैं। क्या यही संविधान है? क्या यही राजनीति है? क्या कर रहे हैं? क्या यही राजनीति है? कर क्या रहे? इसके ऊपर ठोस कदम उठाना चाहिए। मुझे लगा कि शायद ये कुछ, मुझे ही लगा कि क्या बोलना चाह रहे। मैं आ रहा हूँ बेटा, आ रहा हूँ जी। हाँ जनाब, कहाँ से आना हुआ? मैं नोएडा से आया हूँ। नोएडा से आए, क्या नाम है साहब? परवेज आलम। परवेज आलम भाई थोड़ा सा सवाल पूछ लें दो मुझे, एक मिनट बाबू, बस हो गया बागी बलिया। हाँ परवेज भाई, सब खैरियत? जी सब ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। हाँ जी, मेरा सवाल है, भाजपा की सरकार है, हाँ हाँ, ये चाह रहे कि ये बात माननीय योगी आदित्यनाथ तक पहुँचे कि नोएडा में जब नवरात्रे आते हैं, हाँ हाँ, या सावन आते हैं, हाँ, तो ये जैसे हिंदुओं का बहुत मतलब पवित्र महीना होता है, पवित्र महीना होता है, हाँ, तो इसमें जैसे कि नॉनवेज मतलब यूपी में बैन किया गया है खाने के लिए, हाँ हाँ, तो यूपी में सब जगह बैन नहीं है, सेक्टर 8 गया में, हाँ, सेक्टर 8 में बैन है, हाँ, जहाँ पे ज्यादा मुस्लिमों का इलाका है, और जहाँ पे सेक्टर 5 मार्केट है वहाँ भी नॉनवेज नहीं बिकता। अच्छा, सेक्टर 8 में ज्यादा मुस्लिम रहते हैं? हाँ, अच्छा मुझे मालूम नहीं, मैं सेक्टर 18 गया हूँ, सेक्टर 18 मिल रहा, सेक्टर 15 मिल रहा, वो भी तो यूपी में ही है। मैं परवेश भाई, मैंने इसको देखा, आप उसको क्लैरिफिकेशन देना चाहते? मैं एक मिनट, अरे भाई नहीं कोई बात नहीं, परवेश भाई आपने, परवेश भाई इस शो में आके कोई झूठ नहीं बोलता, और जो झूठ बोलता है रात में मैं ही सपने में आके उसको डराता हूँ, इसे झूठ तो कोई, अल्लाह के बंदे हैं वो बोल ही नहीं सकते झूठ। हाँ जी, मेरे कोई मदद की जरूरत नहीं, जो आपको खाना खाए, लेकिन जैसे क्लैरिफिकेशन जी मुझे बताइए क्या क्या है ये, आप तो यूपी में रह रही हैं? जी बिल्कुल, मैं वहीं रह रही हूँ। और प्रवेश भाई ने जो प्रश्न उठाया है, देखिए ऐसा है प्रवेश भाई, जो जो रास्तों से कांवड़ यात्रा गुजर रही थी वहाँ खुले में ऐसा प्राविधान न हो, ये कहा गया था सरकार के द्वारा। ये नहीं कहा गया था कि मीट बैन है वहाँ नहीं बिक रहा है, बिक रहा है मेरे बड़े भाई या छोटे भाई जो भी आप मेरे हैं, बिक रहा है, सब जगह बिक रहा है, लेकिन जहाँ से कांवड़ जा रहा है वहाँ स्वच्छता रहे, वहाँ किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था ना हो, क्योंकि पानी रहता है दोनों तरफ, लोगों के भोजन लगते हैं, श्रद्धा का शिव भोले शंकर का महीना है, इसलिए बोला गया कि केवल रास्तों में जहाँ से कांवड़ यात्रा जाती है। तो आप पूरी बात बोलिए, नहीं ऐसा ही है, यही सच है जी। इसमें हमारी समझ से देख सकते हैं सर, हाँ हाँ, मैम सावन का महीना है, हाँ, वैसे तो हम करते हैं, वैसे तो मैं भी नहीं खाता लेकिन खाने वालों की बहुत इज्जत करता हूँ। हाँ, मेरी बात सुनिए, मैं देखा हूँ सर, परवेश भाई मेरी बात सुनिए, मैं नहीं खाता लेकिन सारे खाने वालों की बड़ी इज्जत करता हूँ, तो मेरा मानना यह है
कि एक ही थाली मंगा लीजिएगा, आप खाते रहिएगा, मैं आपके साथ खाऊंगा, लेकिन मैं चल के आप जहां ले चलना चाहेंगे मैं चलूंगा, खुले में बिक्री नहीं हो सकती। नहीं है, मैं खाते जहां पे देखा हूं सेक्टर 5 में कई सारे हैं, जैसे मतलब सेक्टर 18। आप चाहते क्या कि सारी जगह बंद हो जाए? हाँ, बंद हो तो फिर सबके लिए बंद हो ना, जब जहाँ भाई लोग है गरीब लोग के लिए बंद हो, और जहाँ पे अमीर लोग का है वहाँ पे खुला बिक रहा। आप कहीं का अगर कोई नियम का 12 बाईस चलिए आप भाई, कहीं परवेश भाई कहीं नियम अनदेखी हो, परवेश भाई क्या बोले दे रहा हूँ, अथॉरिटीज इसको संज्ञान में ले, जहां भी उल्लंघन हो रहा हो नियम का वहां सख्ती से पालन हो, और जहां बिक रहा वहां बिके ही ना, ठीक है जी। प्रतीक जी, ये मेरी बहन बीजेपी प्रवक्ता